गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका आपके चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के समक्ष एडिटोरिया करंट अफेयर्स की बुक से एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 4 की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखा है? मीना नैयर और हिम्मत शेख शेखावत ने। ठीक है, चलिए। तो टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखा है? मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने लिखा है? राजेश तलवार ने। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने लिखा है? राजेश तलवार ने। अब हम आते हैं क्वीन ऑफ फायर किसने लिखा है? तो देविका रंगाचारी ने। ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ये तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइगर ऑफ द्रास किसने लिखा है? मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत ने। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार ने लिखा है। क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है? देविका रंगाचारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, प्रारंभ की गई योजनाओं को सुमेलित करना है। योजना दिया हुआ है और वो किस राज्य से रिलेटेड है ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो गौ अभ्यारण योजना किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, सही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। और हॉबी हब योजना दिल्ली से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त, सभी ऑल ऑफ देम हमारा आंसर हो जाएगा। तो गौ अभ्यारण योजना उत्तर प्रदेश से है, हिम प्रहरी योजना किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से है। और हॉबी हब योजना कहाँ से है? तो दिल्ली से है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो हमको नियुक्तियों में सम्मिलित करना है। तो अब देखिए हमारा व्यक्ति और उससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है। तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव हैं। ठीक है, तो भारत के नए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, ये बिल्कुल सही है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी, ये भी सही है हमारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। और G20 के मुख्य समन्वयक कौन थे, कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। G20 के मुख्य समन्वयक कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? तो कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने। और हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में की गई है। किस पड़ोसी देश में? तो श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पर यात्री ट्रेन सेवाएं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के साथ? तो नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस देश के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता
लगाया है। तो किस देश के वैज्ञानिक ने, तो नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें तो उत्तर प्रदेश जो है सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों सही है, हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं, तो हमारा बन गई हैं अरूज आफ्ताब। कौन बन गई हैं, अरूज आफ्ताब। मोहम्मद गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक जो हैं कौन बन गई हैं, तो अरूज आफ्ताब। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, कौन सा शहर बन गया है, तो हमारा हो जाएगा सूरत। ठीक है, कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो उसका नाम है सूरत। कौन सा शहर, सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान जो है वो चलाया गया है, वो चलाया गया है अभियान ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया गया है, तो ऑपरेशन उपलब्ध। कौन, ऑपरेशन उपलब्ध। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई, तो किस योजना की शुरुआत की गई, तो हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की जो है शुरुआत की गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की गई। अब भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है, तो कहाँ पे की गई है, तो मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है, तो मुंबई में की गई है। कहाँ पे, मुंबई में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है, किस राज्य सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है, तो जयनगर से कुर्था के बीच। कहाँ पे, जयनगर से कुर्था के बीच। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है, तो मुंबई में जो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। DRDO द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, पोखरण राजस्थान में किया गया है। तो पोखरण राजस्थान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, कहाँ पे, पोखरण राजस्थान में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार और घड़े मेगालिथिक स्टोन जार्स की खोज की गई है, तो किस राज्य में की गई है, तो असम में। तो असम राज्य में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जार और घड़ों की खोज की गई है, कहाँ पे, असम में। अब 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा जो कथन है वो हमारा
सत्य है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन जो है वो लॉस वेगास अमेरिका में किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो हमारा दुनिया का पहला देश, उसका नाम क्या है? इक्वाडोर। तो वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर बन गया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। और हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। तो महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें सत्यपाल मलिक को एवं A.S. दुलुत को। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए सत्यपाल मलिक को और वर्ष 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से A.S. दुलुत को सम्मानित किया गया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो हमारा मेघालय में किया गया है। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? मेघालय में। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट का विश्व कप 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कहाँ पे? भारत में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? भारत में। कहाँ पे? भारत में। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा जो है 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? ठीक है, किसने किया है? तो हमारा हो जाएगा अमित शाह जो है उनके द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क किसने शुरू किया है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हाल में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन को कम लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार
दिया गया है। ठीक है, तो किस देश के हैं ये, तो कनाडा के हैं। किस देश के, कनाडा के। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है वो कौन बनी है, तो मिताली राज बनी है। ठीक है, कौन बनी है, मिताली राज। और हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है, किस देश ने किया है, तुम्हारा जगह ऑप्शन नंबर ए रूस ने किया है। रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत ICBM का सफल परीक्षण किया है, किस देश ने, रूस ने। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची एवं लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है, तो कहाँ बनाई जा रही है, तो सिंकुला दर्रा पे। किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची एवं लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है, तो सिंकुला दर्रा पे। कहाँ पे, सिंकुला दर्रा पे। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है, तो झारखंड ने। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की है, तो झारखंड ने की है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, ठीक है, तो अब देखते हैं। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, ये भी बिल्कुल सही है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, कृष्णन रामानुजन। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है, कृष्णन रामानुजन है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तुम्हारा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3,00,000 रुपए तक के बीमा योजना की मंजूरी दी है, तो किसने दी है, त्रिपुरा राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3,00,000 रुपए के बीमा योजना की मंजूरी दी है, किस राज्य की कैबिनेट ने, तो त्रिपुरा। किस राज्य की, त्रिपुरा राज्य की कैबिनेट ने। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल को मनाया जाता है कि थीम क्या है, तो 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, और 2022 का मलेरिया दिवस का थीम क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। क्या है इसका थीम, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा जो कथन है वो हमारा बिल्कुल सही है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला है, बिल्कुल सही है। ISC बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और भारत में ISC बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और कौशल विकास संस्था SDI के बीच एक समझौता हुआ है, कहाँ पर हो जाएगा, भुवनेश्वर में। कहाँ पे, भुवनेश्वर में। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है, पुरुष में किस राज्य ने जीता है, तो तमिलनाडु ने जीता है। तो पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो तमिलनाडु ने। किस राज्य ने, तमिलनाडु ने। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है हमें उसे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फूलदेई कहाँ से रिलेटेड है, उत्तराखंड से, त्यौहार से, बिल्कुल सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा से, ये भी बिल्कुल सही है। पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा में, और पोइला बैसाख बांग्लादेश में मनाया जाता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, जैसा है, ये बिल्कुल सही है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, जैसा है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, सरदार बर्डी मुखा मेदेव। सरदार बर्डी मुखा मदेव जो है वो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। ये भी बिल्कुल सही है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हाल ही में किसे मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो प्रभात पटनायक को। तो मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रभात पटनायक को चुना गया। किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक को। और हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का जो पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका आयोजन जो है मंगोलिया के उलनबटोर में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, ये भी बिल्कुल सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि हमारा आज का सेट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण जो है वो कहाँ पे किया गया है? तो इसका अनावरण गांधीनगर में किया गया है। कहाँ पे? गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है। तो इस तरह हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।